टुनटुनी अपने जीवन में बहुत ही खुश थी। टुनटुनी के दो बच्चे थे, जोजो और खोखो। टुनटुनी रोज काम करके खाने का इंतजाम किया करती थी। एक दिन टुनटुनी खाने की खोज में निकली, तभी एक शिकारी बाज की नजर टुनी पर पड़ी। अरे वाह, इतना अच्छा भोजन होगा, अगर इस चिड़िया को पकड़ लो तो मजा आ जाएगा खाकर। पर इसके लिए मुझे कोई युक्ति बनानी पड़ेगी। उस दिन शिकारी बाज के पास कोई युक्ति ना होने के कारण टुनटुनी उस शिकारी से बच जाती है। रोज की तरह अपने बच्चों के लिए खाने का इंतजाम करके वापस लौट जाती है। उसी समय टुनटुनी के पास कालू कौवा आता है। अरे वाह, तो बच्चे भोजन कर रहे हैं। हाँ कालू कौवा, बस अभी इंतजाम करके लाई हूँ। टुनटुनी, सुना है हमारे जंगल के आसपास एक शिकारी बाज आया है। उसकी नजर अब हमारे जंगल के पक्षियों पर है, तो तुम भी थोड़ा बच कर रहना। कालू कौवा, मेरी मजबूरी है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे खाने का इंतजाम करने के लिए बाहर तो जाना ही पड़ेगा। अगर नहीं जाऊंगी तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे। एक दिन शिकारी बाज ने जंगल की चिड़िया पर हमला कर दिया और चिड़िया घायल हो गई। शिकारी बाज उस चिड़िया को अपना भोजन बनाने के लिए अपने साथ ले गया। कुछ दिन बीत गए। रोज की तरह टुनटुनी भोजन की तलाश में निकल गई। रास्ते में शिकारी बाज की नजर टुनटुनी पर पड़ जाती है। आज इस चिड़िया को नहीं छोड़ूंगा, आज इसे अपना भोजन बना ही लूंगा। इसके बाद शिकारी बाज टुनटुनी के पीछे चल देता है। कुछ दूर जाने के बाद शिकारी बाज ने टुनटुनी पर हमला कर दिया। टुनटुनी नीचे गिर गई। तभी शिकारी बाज ने उसे कैद कर लिया। मुझे छोड़ दो, मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे अलावा उनका इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर मैं भोजन लेकर घर नहीं गई तो वो मर जाएंगे। मुझे छोड़ दो प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। भोजन, भोजन तो आज तो मेरा बनेगी। तुझे कई दिन से पकड़ने की कोशिश में था, आज जाके हाथ लगी है। ये मुझे ऐसे नहीं छोड़ेगा, मुझे कोई दूसरी युक्ति सोचनी पड़ेगी। कुछ देर बाद टुनटुनी शिकारी बाज से बोलती है। सुनो शिकारी बाज, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुमको हर रोज बहुत अच्छे अच्छे सेहत वाले पक्षियों को तुम्हारे पास तुम्हारा भोजन बनाने के लिए ला सकती हूँ। और अगर तुम मुझे खा जाओगे तो तुमको रोज की तरह भोजन के लिए परेशानी करना पड़ेगा। क्या तुम सच में ऐसा करोगी? मेरे लिए सेहत वाले पक्षियों को लाओगी और वो भी रोज? हाँ, रोज लेकर आऊंगी। ठीक है, मैं तुमको छोड़ देता हूँ। तुम मेरे लिए भोजन में सेहतदार पक्षियों को नहीं लाई तो अगली बार मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद शिकारी बाज टुनटुनी को मुक्त कर देता है। टुनटुनी वहां से निकल जाती है और घर आने के बाद, बाप रे, बाल बाल बची आज तो। आज के बाद उस तरफ कभी भोजन के लिए नहीं जाऊंगी, यही लोगों के पास काम करके अपना गुजारा कर लिया करूंगी। जान बची रही तभी अपने बच्चों का पालन पोषण कर पाऊंगी। जंगल के सब पक्षियों को ये बात बतानी पड़ेगी। टुनटुनी ने जंगल के सब पक्षियों को उस शिकारी बाज के बारे में बता दिया। इसके बाद से जंगल के उस तरफ कोई भी पक्षी नहीं जाता। कुछ महीनों बाद शिकारी बाज की भोजन न मिलने की वजह से मौत हो गई। दोस्तों, आज की हमारी कहानी से दो सीख मिलती है। पहली टुनटुनी से, कि हमें हमेशा समझदारी और संयम से काम लेना चाहिए। और दूसरा शिकारी बाज से, कि लालच बुरी भला होती है, जितना मिल जाए उतने से ही संतुष्ट हो जाना चाहिए, नहीं तो हम उसे भी खो देते हैं।
जैसे कि शिकारी बाज ने टुनटुनी को छोड़कर अपने भोजन से हाथ धो लिया। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना ना भूलें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।